फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था। और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने। तो मेरी बीवी बड़ी फरमा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी, आज नाना कोई तू चीज़ लेके आया तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। सब रोगों का रोग मुहम्मद जिस दा नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके मेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी। मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे पर मेरे सजदे का जौक भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का जौक भी पूरे जोर पे, मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे। फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहां से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बगैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में कि आखी दे पंजाबी साफा, कहते हैं उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है, चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो, आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम लिए, कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहाँ हो, तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहां से आ गई, यहां तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहां तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ ले सलाद अचार हर चीज साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहाँ गए, कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते, खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा, ये कहां से आया खाना, बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया, ये सारा कुछ कैसा है। कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए थे, पता नहीं किस करीम की, मेरे घर में तो इतनी नेमतें आई हैं कि मुझसे संभाली नहीं जा रही, इतना अनाज है, इतना गंदुम है, किस करीम के दरवाजे आज चले गए थे। ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले ही बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो। और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला, कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना